Hey there, this side Ranjit. Welcome back to the channel. Today we will be discussing Hello 2022. Problem is stable arrangement of stable arrangement of rooks. Basically यहाँ problem हमें बोल रहा था कि हमें rook का placement ऐसे arrange करना है कि after the other move अगर ये कोई भी adjacent move cell पर move करता है rooks, let's say अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर है तो ये या फिर आपने आई प्लस वन जाए या फिर जे प्लस वन जाए या फिर रो वाइज इंक्रीमेंट करे या डिक्रीमेंट करे, यानी कि आई प्लस वन या फिर आई माइनस वन या फिर जे प्लस वन या फिर जे माइनस वन सेल में जाए, ठीक है। अगर ऐसा कोई मूवमेंट करे तो इंटरसेक्शन ऑकर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है कि ये जैसे आगे जाएगा, ठीक है, मतलब लाइक वन कॉमा वन वाला रुक अगर वन कॉमा टू पे जाता है, ठीक है, तो ये बेसिकली 4,2 वाले रुक से इंटरसेक्ट कर जाएगा कॉलम वाइज। तो ऐसा कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तो वही केस हमारा पॉसिबल आंसर होगा अगर अगर कोई ऐसा केस एग्जिस्ट करता है तो आंसर। अगर नहीं करता तो आंसर पॉसिबल नहीं है और माइनस वन प्रिंट कराना था हमें, ठीक है। यही था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो देख लेते क्या करना था बेसिकली। लाइक हमारे पास था टेस्ट केस था 5,2 का, ठीक है, तो 5,2 का तो बेसिकली हमें दो रुक्स दिए हुए थे, ठीक है, और पांच हमें दिए गए थे, मतलब 5×5 का हमें चेस बोर्ड दिया गया था। और हमें प्लेसमेंट ऐसे करना था इन दो रुक्स का कि इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है। तो हम देखेंगे इवन पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए ना मैं क्या करूँगा, अगर ऐसा अरेंजमेंट मेरे को गेन करना है कि कोई भी अगर मूव करे, लेट्स लेफ्ट करे चाहे राइट करे, मतलब लाइक आई प्लस चाहे यहाँ से यहाँ करे, अगर इधर सेल हो अवेलेबल तो चाहे यहाँ से यहाँ करे या फिर नीचे की ओर करे या फिर ऊपर की ओर, तो उससे कहीं इंटरसेक्शन ऑकर नहीं होना चाहिए। तो उसको गेन करने का बस एक ही तरीका है, मतलब अगर आप कॉलम वाइज करो, रो वाइज करो या फिर रो टू रो करो, दैट डजंट मैटर, लेकिन एक पैटर्न बनेगा बेसिकली, एक पैटर्न वाला सवाल हो जाता है यहाँ पर बस। और आपको अल्टरनेट वे में प्रिंट कराना होगा, तो अल्टरनेट प्रिंट कराओगे तो आप कितना करा सकते हो। लाइक अगर यहाँ पे मेरे पास पाँच का है तो मैं कितना एट द टाइम कर सकता हूँ कि इंटरसेक्ट ना करे वन मूवमेंट पे, ठीक है। तो मैं पहला को यहाँ डाल देता हूँ लेट से, देन सेकेंड को मैं यहाँ डालूँगा, क्यों, क्योंकि अगर ये यहाँ जाता है तो वन स्टेप में यही आएगा या फिर एक और यहाँ आ सकता है, तो वन स्टेप में ये यहाँ आएगा या फिर ये यहाँ आएगा या फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये किसी भी केस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और ये पॉसिबल अरेंजमेंट है, या फिर डायगनल में करो या फिर ऑफ द डायगनल, यानी कि जस्ट अपोजिट कर लो, ठीक है, या फिर इधर वाले से आप कर लो, लेकिन अल्टरनेट वे में आपको अरेंज करना होगा। जैसे मैंने 1,1 पे डाला है और दूसरा 3,3 पे डाला है, तो आप इवन बाय इवन अल्टरनेट कर सकते हो या फिर ऑड अल्टरनेट कर सकते हो, आपको जैसे मतलब होगा, ठीक है, यूज। लेकिन मैक्स टू मैक्स कितना होगा, आप जैसे यहाँ पर इवन अल्टरनेट करने की कोशिश करोगे तो वो केवल यही दो पोजीशंस होंगे, ठीक है। तो आप इस केस में दो ही रुक्स को ला सकते हो, तो आप किसे प्रेफर करोगे। हम क्योंकि आज सच वन से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें अगर जैसे आप देख लो, आप 3,3 का अगर कर देते हो वेक्टर को तो हमारे यहाँ से ट्रिम हो जाएगा, फिर 4,4 का करोगे तो यहाँ से ट्रिम होगा, तो हमेशा और लीड कर रहा है नहीं तो इक्विवेलेंट रह रहा है। अगर आप ऑड इंडेक्सेस को चूज़ कर रहे हो अल्टरनेटिव के लिए, तो या तो वो लीड कर रहा है या फिर लाइक इस केस में लीड कर गया और इस केस में इक्विवेलेंट हो गया, जब एन का वैल्यू खुद एक इवन ऑड था, जब ऑड था तब ऑड लीड कर गया, जब इवन था तब इक्विवेलेंट रहा, तो इसलिए मैंने ऑड प्लेसेस को अल्टरनेटिंग के लिए यूज़ कर लिया, क्योंकि इवन कंडीशन में भी इक्विवेलेंट ही था, ठीक है, नंबर ऑफ प्लेसेस वेयर आई कैन प्लेस द रुक्स, ठीक है। तो इसलिए मैं ऑड डायगनल्स वाले, मतलब ऑड डायगनल जो भी है वहाँ पे प्लेस करके अल्टरनेट एक पैटर्न बना लिया, और यही हमें करना था बेसिकली, ताकि वो कोई एज सच पॉसिबल अरेंजमेंट पॉसिबल ना हो। चलो कोड देख लेते इसका। ओके, सो कोड देखते हैं। सो इट्स लाइक कोड है हमारा,
नॉर्मल एज इट इज़ पहले चेक कर लिया हमने सील वैल्यू, डेट इज़ एन बाई टू का सील वैल्यू चेक किया कि एग्जिस्ट करता भी नहीं है कि है कि नहीं। लाइक जैसे मैंने बोला कि हम मैक्स टू मैक्स कितना कर पा रहे हैं, लाइक यहाँ पर हमारे पास था एन का वैल्यू 3 और यहाँ पर हमारे पास है एन का वैल्यू 5, इस केस में एन का वैल्यू 5 है और इस केस में 3 है और इस केस में कितना है 4 है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, सील वैल्यू ही हमारा मैक्सिमम पॉसिबल है क्योंकि आप अल्टरनेट कर रहे हो, तो आप एक गैप के साथ अगर दो का अल्टरनेट बना रहे हो तो आप मिनिमम एक गैप तो छोड़ना ही पड़ेगा ब्लैंक, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप 3 का कर रहे हो तो आपको दो, अगर आप मैक्सिमम दो ही सेलेक्ट कर सकते हो ऐसा पोजीशन जहाँ पर आप प्लेस कर सकोगे रुक को, तो उसका फॉर्मूला यही आ जाएगा कि सील ऑफ वैल्यू ऑफ एन बाई टू, ठीक है, यही हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ सच पोजीशन जहाँ पर हम प्लेस कर पाएंगे एक्चुअल में। और मैक्सिमम इसी का केस में आ पा रहा था, इस केस में बढ़ नहीं रहा था, इक्वल वैलेंट ही था, बस चेस बोर्ड का साइज़ बड़ा हो रहा था और कुछ नहीं था। तो मैक्स मेरा इसी केस में आ पा रहा है, ठीक है, मैक्स टू मैक्स हमें यहीं से मिल जा रहा है, वेदर ये हो या फिर ये हो, दोनों का केस में सील वैल्यू हमेशा 2 ही होगा, ठीक है, तो 2 पॉसिबल है और 5 के केस में सील वैल्यू 3 होगा और 6 भी ले लोगे तो आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस केस में भी 3 ही होगा, तो 3 ही बनेंगे एट मैक्स, ठीक है। ओके सो हमारे लिए यही पॉसिबल आंसर होगा, सील वैल्यू ऑफ एन बाई टू के अंदर अंदर या फिर इक्वल टू के हो तो पॉसिबल है, नहीं तो फिर नॉट नॉट पॉसिबल है। तो उस केस के लिए मैंने क्या कर दिया, अगर के बड़ा निकल गया तो -1 एज इट इज़, अगर पॉसिबल नहीं था तो -1, पॉसिबल हो गया तो फिर मैं जितना आर प्रिंट कराना चाहता हूँ वो तो के इक्विवेलेंट ही था, तो वंस के इक्विवेलेंट अगर आर मैं प्रिंट करा लिया तो उसके बाद मैं एज इट इज़ पैटर्न को प्रिंट करा दूंगा। लाइक आउटपुट में हमारा था डॉट 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 डालना था, ठीक है, और जो कि हमारे चेकर्स बॉक्स को या फिर ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था एक चेस बोर्ड पर, ठीक है, जहाँ पे रुक्स बेसिकली प्लेस नहीं है उन बॉक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, सो एज इट इज़ उनको प्रिंट करा दिया। और जहाँ पे भी हमें मिलने वाले थे वो डायगनल थे और डायगनल में भी मैं ऑड वाले को सेलेक्ट कर रहा था, तो ऑड के लिए मैंने ये चेक कर लगा दिया और तीसरा चेक किया हमारा जितना रुक्स दिया हुआ है उतना ही प्लेस मेरे को करना है, ठीक है, बेसिकली यही किया और हो गया। अगर कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।